नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के बच्चे आज मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 8 पढ़ेंगे लिंग। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को समझाती हूँ और इस बार फिर कहूँगी, इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई करें। जो कार्य अध्यापकों द्वारा बताया जा रहा है उसे समय से पूरा करते रहें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 लिंग। लिंग का अर्थ है स्त्री या पुरुष जाति की पहचान, अर्थात लिंग से किसी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, वाक्यों को पढ़िए और समझिए। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे है, नदी बह रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, नदी बह रही है क्रिया। जैसे अगर क्रिया वचन हमारा लिंग हमारा अगर होता है स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही लगेगी, लिंग पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग लगेगी। तो उसी तरह से हमें दूसरा ये भी देखना है, सूरज चमक रहा है तो यहाँ सूरज पुल्लिंग है, धोबिन कपड़े सुखा रही है तो यहाँ धोबिन स्त्रीलिंग है। ऊपर दिए गए चित्र में लड़का, धोबी, सूरज से पुरुष जाति का बोध होता है और लड़की, धोबिन से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। जिन शब्दों के लिंग ज्ञात न हो वैसे शब्दों के लिंगों को पहचान वाक्य में प्रयुक्त उनके क्रिया शब्दों से की जा सकती है। यदि कहने का तात्पर्य है, यदि हमें किसी शब्द के लिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके उस वाक्य में जो क्रिया प्रयोग हो रही है उससे हम उसके लिंग की जानकारी कर सकते हैं। जैसे नदी बह रही है और सूरज चमक रहा है, मैं बह रही क्रिया शब्दों में नदी के स्त्रीलिंग होने का तथा चमक रहा में क्रिया शब्दों के सूरज के पुल्लिंग होने का पता चलता है। लिंग के भेद दो होते हैं, लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, पुल्लिंग क्या होते हैं, अब इसको पुल्लिंग की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, हाथी, शेर, बैल, पिता, चाचा, पत्र आदि। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हथिनी, मोरनी, माता, गाय, चाची, चिट्ठी आदि। लिंग की पहचान निम्नलिखित प्रकार से भी की जा सकती है। अब हम लिंग की पहचान को और किस तरह से कर सकते हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं कि हम कौन कौन से हमारे ऐसे साधन हैं जिनसे हमें लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। इसमें नंबर एक आता है अकारांत। अकारांत का मतलब होता है जहाँ शब्द आ से आकर टूट जाते हैं। अकारांत तत्सम शब्द बहुधा पुल्लिंग होते हैं। जैसे वन, उपवन, तन, जल, नाच, पर्वत, नगर आदि। नंबर दो में इसमें आता है जिन शब्दों के अंत में आ, आप, पन, पा और न प्रत्यय लगे हों वे बहुधा पुल्लिंग ही होते हैं। इसके बाद नंबर तीन में आता है पर्वत, देश, समुद्र, ग्रह, मास, वार, पेड़, अनाज, धातु, रत्न, द्रव आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। नंबर चार में है जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण होता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्षेत्र, चित्र, शस्त्र, चरित्र, पात्र आदि। नंबर पाँच में आता है जिन शब्दों के अंत में आर आता है वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे निराहार, विस्तार या संसार आदि। अगला आता है बच्चों नंबर छः, कुछ सामसिक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे कमल नयन, सीताराम, सभा मंडप, महापुरुष आदि। नंबर सात में कुछ शारीरिक अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हाथ, पैर, मस्तक, दांत, कान, नाक आदि। इसके बाद नंबर आठ में आता है वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कछुआ, कौवा, खटमल, खरगोश, गरुण, गैंडा, चीता, तोता, पक्षी, पशु, बाज और मक्षर।
नंबर 9 में आता है पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, पद माने ओहदा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कथाकार, वकील आदि। कहने का तात्पर्य है बच्चों, पुल्लिंग की पहचान करने के लिए हमें ये इतने सारे नंबर दिए गए हैं कि इनमें से हम इनकी परिभाषा पढ़ लें या इनकी जानकारी कर लें, इनको अगर हम ध्यान में रखें तो हमें आसानी से पुल्लिंग शब्दों की पहचान हो जाती है। अब अगला आता है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग की पहचान के लिए भी कुछ इसी तरह से बातें बताई गई हैं, उनको भी हमें समझना है। वो कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, जिन शब्दों के अंत में आई, बट और हट प्रत्यय लगे हों वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पढ़ाई, लड़ाई, चटाई, मलाई, बनावट, थकावट, सजावट, घबराहट, मुस्कुराहट आदि। इसके बाद नंबर 2 में आता है बच्चों, आकारांत सक्षम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे परीक्षा, माया, प्रतिज्ञा, दया, प्रतिमा आदि। नंबर 3 में है नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। इसके बाद नंबर 4 में आता है तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अमावस्या, एकादशी, पूर्णमासी आदि। इसके बाद नंबर 5 में है नदियों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि। इसके बाद नंबर 6 में है किसी बोली अथवा लिपि का नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे हिंदी, गुरुमुखी, पंजाबी, देवनागरी, भोजपुरी, ब्रह्मी आदि। नंबर 7 में है स्त्रियों के नाम स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे सीता, रीता, गरिमा, नीरजा, सुनीता आदि। इसके बाद नंबर 8 में आता है बच्चों, संस्कृत की ना या ने से अंत होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे प्रार्थना, कल्पना, वेदना, हानि आदि। अगला है नंबर 9, छोटे आकार वाली आकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे डिबिया, खटिया, पुड़िया, चिड़िया आदि। इसके बाद आते हैं बच्चों नंबर 10, किराने के सामान के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। किराने का सामान जो जरूरत की घर की जरूरत की चीज़ें होती हैं, जिनमें इलायची, जावित्री, लौंग, काली मिर्च आदि, ये प्राय नाम स्त्रीलिंग के ही होते हैं, स्त्रीलिंग ही होते हैं इनके नाम। नंबर 11, कुछ आहारों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ आहार यानी कुछ भोज्य पदार्थ भी ऐसे होते हैं जिनके नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खीर, पूरी, कचौरी, दाल, सब्जी, खिचड़ी आदि। इसके बाद नंबर 12 में, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख वर्ण आता हो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ईख, कोख, भूख, लाख आदि। इसके बाद अगला नंबर 13, कुछ ईकारांत और उकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे अग्नि, रवि, राशि, विधि आदि। इसके बाद नंबर 14, कुछ सामसिक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे धर्मशाला, पाठशाला आदि। इसके बाद नंबर 15 आता है बच्चों, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोयल, गिलहरी, दीमक, चील, मक्खी, मछली, मैना, मकड़ी आदि।